नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरबी सेवेती HSM के अंदर। इससे पहले भी मैंने वैदिक गणित के काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने कक्षा 10th वैदिक गणित के नाम से, आप हमारे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप हमारे वीडियोज़ देखो, ठीक है, और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत उपयोगी वीडियोस लेकर आते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको भी आप क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक सही टाइम पर पहुंच सके। और आज का टॉपिक देखो हमारा क्या है, आज हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा हम संख्याओं का घनफल निकालेंगे। और इकलौता सूत्र, देखो इकलौता मेथड है जिसके अंदर विचलन अलग प्रकार से ज्ञात किया जाता है। विचलन जो ज्ञात किया जाएगा ना, वो सबसे अलग प्रकार से ज्ञात किया जाता है। देखो अन्य संख्याओं में विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, पहले तो वो देखो आप। मैंने विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बता रखा है, विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार, यानी संख्या में से जब भी आधार को घटा दिया जाता है, ठीक है, तो आपके पास विचलन निकल कर आ जाता है। कभी विचलन माइनस का भी आता है तो कभी प्लस का भी निकल कर आ जाता है। लेकिन हम जब भी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा संख्याओं का घन ज्ञात करेंगे तो उसके अंदर विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला अलग ही होगा। उसमें विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, विचलन बराबर, ठीक है, उसमें इकाई का जो अंक होगा हमारे पास, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और उसमें से 10 माइनस ही कर देंगे। और सभी सवालों में होगा, चाहे उसका आधार 10 हो चाहे आधार ही 100 हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। चाहे किसी संख्या का आधार 10 हो, 100 हो, हज़ार हो, सभी सवालों के अंदर विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई के अंक को हम गुणा करेंगे किससे, 3 से, और उसमें से 10 माइनस ही कर देंगे। बाकी और चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। और एक चीज़ और, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा जब भी हम घनफल ज्ञात करते हैं तो केवल दो ही अंकों का, केवल दो ही अंकों वाली संख्याओं का घनफल ज्ञात ही कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सूत्र के अंदर हमारे पास इकाई का अंक है और दहाई का अंक है, बाकी सैकड़े का अंक तो हमारे पास है ही नहीं। अगर कोई सैकड़े का अंक आ भी जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आएगा 106 आएगा, इसका हमें घन ज्ञात करना है, तो उसमें क्या करेंगे, ये जो 6 है ये तो इकाई का अंक है, ये जो पूरा 10 है इसको पूरा हमें दहाई का अंक मान लेंगे, फिर सूत्र में मान रख के इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। तो देखियो कैसे करते हैं, यानी विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा ये रहेगा इसके अंदर, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा, आप बढ़िया तरीके से इन सवालों को सॉल्व करने लग जाओगे। और ये जो सूत्र दे रखा है हमें, यानी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा संख्याओं का जो घनफल ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला दे रखा है मैं, देखो संख्या का क्यूब दहाई का स्क्वायर, ये दहाई का अंक है, ठीक है, दहाई के अंक का स्क्वायर गुणा दहाई के अंक का एकाधिक है, यानी जस्ट उसका एकाधिक कर देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला देखो, ठीक है, फिर दहाई के अंक का वर्ग करेंगे और उसको विचलन से गुणा कर देंगे। और विचलन कैसे ज्ञात करते हैं वो उन्हें बता रखा है आपको, ठीक है, फिर 3 गुणा होगा किससे, दहाई के अंक से, और दहाई का अंक गुणा हो जाएगा इकाई के अंक के स्क्वायर से। फिर लास्ट जो खंड है हमारे पास उसके अंदर आपको इकाई के अंक का क्यूब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इकाई के अंक का क्यूब, यानी कुल मिलाकर हमारे पास कितने खंड होंगे इसके अंदर, 1, 2, 3 और 4 खंड होंगे। चारों खंडों में मान कैसे रखे जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं और उनको कैसे कैसे सोल्व करना है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 29, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, उसमें आपको 45 यानी 45 का क्यूब ज्ञात करना है, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आपको 73 का क्यूब ज्ञात करना है, 73 का क्यूब, और क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसमें आपको 24 यानी 24 का क्यूब ज्ञात करना है, और क्वेश्चन नंबर जो 32 है
उसमें आपको 106 जो मैंने अभी बताया ना, अभी 106 का क्यूब ज्ञात ही करना है। इन सभी क्वेश्चनों का क्यूब हम आज ही ज्ञात करेंगे और उनके आंसर कैसे कैसे निकलेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी, बढ़िया चीज़ समझ में आएगी। देखते रहिए, मैं एक एक सवाल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके अंदर बढ़िया तरीके से। पहली बात, क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें आपको 45 का क्यूब याद करना है। किसका? 45 का क्यूब। तो 45 के अंदर देखो इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व करके बता देता हूँ मैं इधर। यहाँ पे देखिए, ये जो 45 है मेरे पास, ठीक है, इसमें जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक वो 5 है, जो दहाई का अंक है वो 4 है, ठीक है। अब रह गया विचलन, सूत्र में विचलन भी तो मेरे पास, विचलन कैसे ज्ञात करेंगे? इकाई का अंक क्या है? 5, ठीक है। 5 किससे गुणा होगा? 3 से, उसमें से क्या घटेगा? 10, 5 15 में से 10 क्या कितना बचेगा? 5, यानी विचलन कितना आ गया इसका? 5 आ गया। सूत्र ही ना, इकाई का अंक किससे गुणा होगा? 3 से, और उसमें से 10 घट जाएगा, तो उसका जो विचलन आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। यानी विचलन में जहाँ जहाँ सूत्र में विचलन लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे? 5 रख देंगे। देखो दहाई का अंक क्या है मेरे पास? 4 का स्क्वायर ये लीजिए इनटू, फिर दहाई का जस्ट एकाधिक क्या होता है हमारे पास? 5, ये 5 लिख दिया मैंने। फिर दहाई का स्क्वायर है मेरे पास, यहाँ भी दहाई का स्क्वायर था, यहाँ भी दहाई का स्क्वायर है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है मेरे पास? विचलन, ठीक है, तो विचलन कितना निकल कर आया? ये रहा 5, ये 5 लिख दिया मैंने, ठीक है, दूसरे खंड में। फिर ये 3 सूत्र में जो लिखा हुआ है, फिर दहाई का अंक कितना है मेरे पास? 4। ये किसी मल्टीप्लाई होगा? इकाई के अंक के स्क्वायर से, यानी 5 के स्क्वायर से। फिर 5 का क्यूब ये लीजिए, रख दिया मैंने मान, बस इसको सरल करना है हमें, और सरल करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कैसे कैसे इनको हम सरल ही करते हैं। देखिए 5 15 विचलन सही है इसका, 5 हो गया, ठीक है, 5 क्यूब, 5 के स्क्वायर, 4 देखो उसको, 4 का जो स्क्वायर है वो 16, 16 5 कितना हो गया? 80, यहाँ तो आ गया 80, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 5 भी क्या आ गया? 80 आ गया, ओके। फिर आ जाइए आप, 3 4 12, ये तो 12 हो गए और ये 25 हो गए, 25 और 12 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300, ये 300 आ गया। और 5 का क्यूब कितना होता है आप सब लोग जानते हो, 5 का क्यूब 125 होता है, क्या होता है? 125। अभी ऐसे केस हम क्या करेंगे समझना, इस सवाल के अंदर ही 4 खंड हैं, चारों खंडों में से जो तीसरा चौथा खंड, देखो जरूर, चौथा खंड, तीसरा खंड, दूसरा खंड, इनमें केवल एक एक अंक होने चाहिए हमारे पास, चाहे आधार 10 हो, 100 हज़ार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसमें क्या करना है हमें? केवल 5 रखना है। ये जो 12 है हमारे पास, ये इस 300 में जुड़ जाएगा, तो 312 का केवल 2 रह जाएगा। कितना? देखो 312 था, उसका 2 रह गया, ये 31 है ना, ये 31 इस 80 में जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया आपके पास? 110 आ गया, 111 आ गया, ठीक है, बाय 80 में आप जोड़ोगे 30, तो कितना आ गया हमारे पास? 110, लेकिन एक ज़्यादा है तो कितना हो गया? 111, 111 का केवल एक रह जाएगा, 111 का केवल एक रह गया, ये 11 जो है वो इसी 80 में जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ गया? 91, 91 आ गया, 91। यानी इस क्वेश्चन का जो क्यूब करेंगे तो हमारे पास 91 12 5, यानी 91125, ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए इजी था मेथड बिल्कुल, दोबारा देख लीजिए भाई, दहाई का अंक क्या था मेरे पास? 4, तो 4 का स्क्वायर गुणा दहाई के अंक का जस्ट एक ज़्यादा क्या है? 5, तो 5 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे दहाई के अंक का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर क्या है मेरे पास? ही विचलन, विचलन भी क्या है इसमें? 5 है। फिर विचलन ज्ञात करने का तरीका बताया रखा है मैंने, ये रहा
पाँच को तीन से गुणा करेंगे यानी इकाई के अंक को पाँच से गुणा करके उसमें से दस माइनस ही कर देंगे, तो पाँच आ गया। इसमें कितना है, पाँच, पाँच आ गया मेरे पास। यहाँ भी देखो कितना है, पाँच का स्क्वायर हो गया, पाँच का क्यूब है, मान रख दिए सारे, बस सरल कर दिए हमने। बाकी चौथे खंड में, तीसरे खंड में, दूसरे खंड में एक अंक होना चाहिए, बाकी के अंक हम इधर ही जोड़ते चलेंगे और यहाँ पर कितने भी अंक हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए अगले क्वेश्चन में आपको जो क्यूब करना है वो आपको 73 का क्यूब करना है। किसका करना है, 73 का क्यूब करना है। सेवेंटी थ्री के अंदर समझना, इकाई का अंक तो क्या है, तीन, ठीक है, दहाई का अंक है सात, और विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो तीन गुणा होगा किससे गुणा होगा, तीन से, यही तो सूत्र है, इकाई का अंक तीन है वो तीन से गुणा हो जाएगा, इसमें से क्या माइनस होगा, दस, तो विचलन आपके पास माइनस का एक आ गया यहाँ पे। इस सवाल को थोड़ा गौर से देखना आप, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना होगा आपको, नई चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर, तो आप ध्यान देते रहिए। इसमें विचलन माइनस एक है, हाँ रख देते हैं मान। क्यूब करना है आपको 73 का, तो इकाई का अंक क्या है मेरे पास, पहली तो दहाई का अंक है, यहाँ देखो दहाई के अंक का क्या करना है, स्क्वायर यानी सात का स्क्वायर, सात से जस्ट एक ज़्यादा क्या होता है, आठ, ये लीजिए, फिर वही सात का स्क्वायर इंटू विचलन, विचलन भाई माइनस एक है, थोड़ा ध्यान देना, माइनस ही एक, ये लीजिए तीन इंटू दहाई का अंक क्या है, सात इंटू इकाई का अंक कितना है, तीन, तीन का स्क्वायर और तीन का क्यूब, रख दिए मान मैंने ऐसे कैसे, तो यहाँ देखो तीन का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया, सत्ताईस हो गया, तीन का क्यूब किया तो कितना आ गया, सत्ताईस, यहाँ तीन का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, नौ, और इक्कीस यानी इक्कीस इंटू नौ, ठीक है, लिख लेंगे बाद में, हल कर लेंगे आगे, भाई तीन सत्तर इक्कीस हो गया, तीन का वर्ग नौ हो गया, बस में गुणा हो जाएंगे, यहाँ सात का वर्ग कितना हो गया, उनचास, उनचास गुणा होगा माइनस एक से तो माइनस का उनचास आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ सात का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, उनचास, उनचास को आठ से गुणा कर लो आप, आठ ना बहत्तर, बहत्तर के दो असल के कितने हो गए, सात, आठ चौक बत्तीस, बत्तीस और सात कितना हो गया, उनचालीस यानी तीन सौ बानवे, यहाँ पर कितना आ गया, तीन सौ बानवे आ जाएगा हमारे पास। अब तीन सौ बानवे आ गया तो उसको हल करने का तरीका देखिए, मार्कर में थोड़ी शाही डाउन हो गई, ठीक है, तो इससे कर लेता हूँ मैं अब, हाँ ये सत्ताईस ऐसे कैसे आ जाएगा हमारे पास, फिर नौ एकम नौ, नौ दो अट्ठारह, ये 189 आ गया मेरे पास, ये माइनस के 49 ऐसे कैसे लिख लेंगे, और ये तीन सौ बानवे भी हम ऐसे कैसे लिख लेंगे। फिर मैंने कहा था यहाँ पे एक एक अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो बीच वाला जो दूसरा खंड है वहाँ पर माइनस की संख्या आ गई भाई। अब माइनस की संख्या आ गई तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, उसको हल नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको पहले प्लस का बनाएंगे, फिर आ गया सॉल्व करेंगे सवाल को, तो क्या करेंगे समझना, माइनस की 49 है तो अगर मैं यहाँ से पाँच लेकर जाऊँ, वो पाँच गुणा होगा दस से पचास, पचास में से उनचास किया तो कितना बचेगा, एक, प्लस का हो गया ना, तो यहाँ से कम पाँच लेके जाना होगा उधर, तीन सौ बानवे से पाँच गया तो कितना बचेगा, सत्यासी बचेगा, यहाँ पे तीन सौ सत्यासी रहा, ठीक है, और वो जो पाँच है यहाँ से पाँच लेके जा रहा हूँ वो किससे गुणा होगा, दस से, सभी सवालों में ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान रखना, उसमें से क्या माइनस होगा, 49, बाकी 189 ऐसे की ऐसे, 27 भी ऐसे की ऐसे, ठीक है, तो ये 387 ऐसे की ऐसे, ये कितना हो गया, 50, 50 में 49 गया एक, कितना रह गया एक, ठीक है, और यहाँ पर 189 ऐसे की ऐसे और 27 भी ऐसे की ऐसे। अब इनको ऐड करने का तरीका, एक एक अंक होनी चाहिए, तो ये सात तो देखो ऐसे कैसे आ गया मेरे पास, ये जो दो है ये इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ गया, 191 भाई, 189 में हम टू ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 191, 191 का केवल एक रह जाएगा, 191 का एक रह गया, ये जो 19 है
इस एक में प्लस हो जाएगा, 19 और एक कितना हुआ 20, 20 का कितना 0, ये दो इधर जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए हमारे पास 87 में जब दो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 389, यानी इसका क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास से, इसका क्यूब 389017 ये निकल कर आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का भी आंसर निकल कर आ जाएगा। फिर देखिए अगले सवाल में, अगले सवाल में आपको 24 का क्यूब करना है, किसका क्यूब करना है 24 का। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठिए और प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। किसका क्यूब करना है आपको 24 का, ये लीजिए ठीक है, ये रहा 24 क्वेश्चन नंबर 31 है ठीक है। 24 का क्यूब याद करना है, आपकी बुक की क्वेश्चन है देखिए और क्रम से लिए मैंने, जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं सीरीज वाइज पढ़ा रहा हूँ, क्रम से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, ऐसा नहीं है, लगातार पढ़ा रहा हूँ मैं उसे, जैसे बुक में जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं ना सीरियलिटी से वैसे ही पढ़ा रहा हूँ ठीक है। इसमें इकाई का अंक देखो 4 है ठीक है, दहाई का अंक 2 है और विचलन कैसे याद करते हैं, इकाई का अंक जो है 4 वो किससे गुणा होगा 3 से, उसमें से क्या माइनस होगा 10, यानी 4 × 3 = 12, 12 में से 10 के दो, ये लो इसका विचलन तो भाई प्लस का आ गया, तो ये तो ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो, इसमें तो मान रख लो आप संख्याएं भी छोटी छोटी है हमारे पास। दहाई का अंक क्या है मेरे पास देखो, आपको 24 का क्यूब करना है, 24 का क्या करना है क्यूब, ये लीजिए तो दहाई का अंक कितना है 2 है, दहाई का अंक कितना है मेरे पास 2, तो 2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया इनटू दहाई का, जस्ट एक ज़्यादा कितना होता है 3, ये लीजिए ईजी था, दहाई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इनटू विचलन कितना है 2, ये लीजिए फिर 3 इंटू दहाई कितना है मेरे पास 2, इकाई कितना है 4, 4 का स्क्वायर ये लीजिए और फिर 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है सब जानते हो आप ठीक है, ये 3 × 2 = 6 और ये 4 का क्यूब 16, सही है ना भाई, ये तो हो गया 6 ठीक है और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, ये लीजिए ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, 4 × 2 = 8 ये 8 हो जाएगा ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी कितना हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12 ये कितना हो गया 12 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार देखो 64 ऐसी कैसे लिख लिया मैंने, फिर 16 × 6 का कितना होता है 96, 16 × 16 = 32, 16 × 3 = 48, 48 का जस्ट दोगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96 ठीक है, फिर ये 8 ऐसे कैसे और ये 12 भी ऐसे कैसे, एक एक अंक होना चाहिए तो ये 4 रह गया 6 इसमें ऐड हो जाएगा, 96 से कितने हो गए 102, 102 का 2 वो जो 10 रह जाएगा वो इसमें ऐड होगा, 10 × 8 = 18, 18 का कितना 8 वो एक इधर जुड़ जाएगा 13, यानी क्यूब करने पर क्या आ जाएगा 13 × 82 = 4, इसका आंसर जो है वो हमारे पास 13 × 82 = 4 निकल कर ही आ जाएगा, देखिए 13 × 82 = 4 13,824, ईजी था क्वेश्चन ये तो। अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा आपको, अगले क्वेश्चन में जो आपको क्यूब करना है वो 106 का करना है भाई, किसका करना है 106 का, और हमने पढ़ा क्या है सूत्र में इकाई और दहाई के अंक होते हैं हमारे पास, तो इसको कैसे करेंगे देखो 106 हमारे पास, इसका हमें क्या करना है क्यूब, तो ये जो 6 है इसको मानेंगे हम इकाई का अंक, है भी वैसे इकाई का अंक ही, और ये जो पूरा 10 है इसको पूरा दहाई का अंक मानेंगे, क्या मानेंगे दहाई का अंक, 10 को दहाई का अंक मानेंगे, तो इकाई का अंक तो क्या हो गया 6, दहाई का अंक हो गया पूरा 10, और विचलन कैसे ज्ञात करते हैं हम वो भी देखो, विचलन ज्ञात करने के लिए 6 गुणा होगा किससे 3 से, उसमें से माइनस क्या होगा 10, 6 × 18 = 18 में से 10 के कितने बचेंगे 8, इसमें भी जो विचलन आएगा वो प्लस का 8 आएगा ठीक है, सूत्र में ऐसी कैसी मान रख देंगे हम, सूत्र में क्या करेंगे ऐसी कैसे हमें जो भी वैल्यूज़ हैं वो ऐसी कैसे सूत्र में हमें
पुट कर देंगे। देखो कैसे, समझना, हमें करना है 106 का क्यूब। 106 का क्या करना है, हमें क्यूब करना है। दाहिक अंक क्या है मेरे पास, 10, यानी 10 का स्क्वायर। ये किसी मल्टीप्लाई होगा, 10 से जस्ट एक ज़्यादा क्या होता है, 11। ये लीजिए, ठीक, यहाँ भी वही 10 का स्क्वायर। ये किसी मल्टीप्लाई होगा, विचलन, विचलन कितना है, 8। ये लीजिए, ठीक है, और 3 इंटू दाहिक अंक कितना है, 10। ये किससे गुणा होगा, एकाएक अंक कितना है, 6 के स्क्वायर से। फिर आपको एकाएक अंक कितना है, 6 का करना है क्यूब। 6 का क्या कर देंगे हमें, क्यूब। अब इसको सोल्व करना है, केवल क्या करना है, सोल्व। 6 का क्यूब देखो 216 होता है, सब जानते हैं। 6 × 36 को 6 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 216। और यहाँ पे 6 का वर्ग 36, देखो कैसे, समझना, 3 को 10 से गुणा किया 30 आ गया, 6 का वर्ग 36। ये लीजिए, ठीक है, फिर 10 का वर्ग किया तो कितना आ गया, 100 गुणा होगा 8 से, 800। ये तो ईजी, बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं इसमें। तो 10 का वर्ग किया हमने तो 100 आ गया, 100 गुणा होगा 11 से, तो ये तो 1100 हो गया। इजी फॉर्म में था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 216 ऐसे कैसे, ठीक, फिर 3 × 18 = 8, भाई ये 0 ऐसे कैसे, 3 × 18 = 8 हासिल के 1, 3 × 3 = 9, 9 कितना हो गया, 10, यानी 108। दोबारा करके देख लो बोले आप, अगर आपको कोई भी मिस्टेक दिखती है तो। देखो ये 0 ऐसे कैसे, 3 गुणा होगा 6 से, 3 × 18 = 8 हासिल के 1, 3 × 3 = 9 = 10। ये लीजिए, हो गया, ये 800 है हमारे पास और ये 1100 है ही हमारे पास, इसमें कोई समस्या है नहीं हमारे पास। अब हम पहले भी कर चुके हैं और अब भी गई वही करेंगे, इस वाले और इस वाले, यानी लास्ट के जो तीन खंड हैं उनमें एक एक अंक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो दो दो, किसी में 4 अंक है, किसी में 3 अंक है, ऐसे है। तो क्या करेंगे हम, इधर ऐड करते चलेंगे। देखो यहाँ पर केवल ये 6 रहेगा, ये जो 21 है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 1080 के अंदर हम 21 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1101 आएगा। कितना आएगा, 1101 आ गया। अब 1101 के अंदर केवल ये 1 रहेगा, ये 1 लिख दिया मैंने, बाकी जो 110 होंगे ना वो इस 800 में ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 910। भाई 800 तो ये हैं और 110 ये हैं, तो कितने हो गए, 910 हो गए। 910 का ये 0 रह जाएगा, क्या रह जाएगा, 0 रह गया हमारे पास, ये 0, ठीक है। ये जो 91 है ये फिर ये 1100 में ऐड हो जाएंगे, तो 1191 हो गया, ये 1191। यानी जब भी हमें इस संख्या को क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1191 0 16 एक्यूरेट, सही है भाई। आप उत्तर वाला में चेक करके देख सकते हो इसका जो क्यूब है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1191 0 16। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी निकल कर ही आ जाएगा। अब जो आने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी और शानदार वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अब जैसे हमारी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उस दृष्टि से एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं या 4 साल 5 सालों के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं विद सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो पर बने रहें, आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।